गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ में। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास, और आज कुछ बिल्कुल नई चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको बिल्कुल। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आप गेस कर सकते हैं ये क्या है। अगर किसी को मालूम है तो बताइएगा, नहीं तो वीडियो में तो आपको मालूम चल जाएगा बाद में। और ये एक्चुअली अफ्रीका की लाइफ लाइन है। अफ्रीका क्या, एशिया की लाइफ लाइन है। ये पाम ट्री है, और पाम ट्री से जो फ्रूट्स निकलता है उससे हम तेल बनाते हैं, कुकिंग ऑयल बनाते हैं, और उसी कुकिंग ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एशियाई कंट्रीज़ में और अफ्रीका के कंट्रीज़ में। तो इसी प्रोसीजर को दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, और उम्मीद करूंगा आपको बहुत पसंद आएगा पूरा प्रोसेस। और इसका नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है कि कैसे इससे हम कुकिंग ऑयल बनाते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है। मैं अफ्रीका को अपने अंदाज में दिखाता हूँ, और यही मेरी USP है, जो भी समझ लें आप। तो बने रहिए और देखते रहिए अफ्रीका को मेरे नज़रिए से। बहुत से लोग तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये खजूरी है कि क्या है। तो अभी जब नीचे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल खजूर की तरह ही पकता भी है ये। पत्तियाँ काट रहे हैं ऐसे से, थोड़ा सा जगह बन जाए, तो उसके बाद फिर निकालेंगे। इतनी आसानी से नहीं मिलता ये भी, देखो कितने पत्ते काटे में पड़ रहे हैं। दो काट के हमने गिरा दिए हैं, ये तीसरा है, उसको भी दिखाता हूँ आपको जो हमने काट के गिराए हैं। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा गिर रहा है। सारा कटेगा हाँ अकबर भाई, जगह बनाएगा तभी तो। हाँ मैं भी मदद कर रहा हूँ भाई की, बस काटने में पकड़ा हूँ मैं।
और ये जैसे कट जाएगा तो मरना शुरू हो गया। चलो चलो बस बस हो गया हो गया, आग आ गया। हाँ पाम ट्री तो पूरे मतलब मलेशिया में, अगर आप एशियाई देशों में देखेंगे ना, मलेशिया में मलेशिया नंबर वन है, सप्लाई करता है ये पाम ट्री पूरे इंडिया को, पाकिस्तान को, बहुत सारे वर्ल्ड में मुख्तलिफ देशों को। तभी इंडिया ने बीच में बंद कर दिया था लेना, तो बहुत बवाल मचा था। तो ये वही है, अफ्रीका से भी मुख्तलिफ देशों में सप्लाई होता है। तैयारी 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 है, कोई प्रॉब्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हो एकदम खजूर की तरह दिख रहा है अकबर भाई, इधर आके देखो एकदम खजूर लग रहा है, पका हुआ है एकदम बिल्कुल। बुगरामा की तरफ बहुत ज्यादा है। हाँ बुगरामा रूमोंगा की तरफ जाएंगे तब बहुत ज्यादा है, उधर काम ही है। खुश्क होगा ये? इसको खुश्क नहीं हुआ, ये पक गया है और ये रेडी है, बस इसको ले जाके वो जो मशीन में डालेंगे फिर इसका सफाई करेंगे, उसको मशीन में डालेंगे, एक एक दाना अलग होगा, एक एक दाना अलग होगा। और ये देखो दाना गिरा हुआ ना नीचे, ये दाना गिरा हुआ है, ये पका हुआ है, ये रेडी है, सुर्ख रंग का। हाँ सुर्ख रंग का, ज्यादा तो ये स्याह होते हैं लेकिन अंदर है, अंदर है ना, ये देखो ना नीचे दम पूरा रेड रेड है, ऊपर से स्याह है, नीचे से देखो रेड रेड है, स्याह मतलब काला ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कुदरत का करिश्मा है भाई। अपन क्या क्या सोचते हैं, अपन तो मतलब बस किचन में जाते हैं, सोचते हैं ये तेल आ गया वो तेल आ गया, यहाँ देखो लाइव बनता कैसे है, और चीज़ों को देखो तो एक अजीब ही सी खुशी आती है कि कुदरत ने क्या क्या सबको कुछ ना कुछ चीज़ें अता की हैं। साल लगते हैं एक दरख्त को, 5-6 साल एक दरख्त को बनने में लगते हैं, उसके बाद इसका फल, उसके बाद और चीज़ें। ओहो उसकी उसकी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दिया मैंने, और इसको फिर अगले किसी ब्लॉग में आपको इसका प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे इसे तेल बनाते हैं। देखिए कुछ ऐसा है, अकबर भाई थोड़ा शो करिए, आपको भी लेता हूँ क्लोजअप में, क्या है बताइए इसके बारे में।
बाउंड्री है, इसका रंग आप देख रहे हैं ये ब्राउन ब्लैक से ब्राउन, ब्राउन से रेड, इसके नीचे येलो, ये जो है अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लगेगा। एक हफ्ता सुखाने में लगेगा इसको, तो उसके बाद इसको साफ करके इसको मशीन में डाल देंगे आराम से निकल आएगा। तो ओके 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 पापा मेर्सी।